Hello students, today I will teach you poem 1 of Flamingo class 12, My Mother at 66, which is written by Kamala Das. Okay, now I will read the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. It means when the poet is going to Cochin from her parents' home last Friday, I saw my mother beside me. I means poet. The poet is saying, मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे साथ में बैठी हुई थी. दे बोथ आर इन द कार एंड द मदर इज बिसाइड्स द बॉय. डोर्स ओपन माउथ हर फेस एज एन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस. इन दीज लाइन्स द बॉय इज डिस्क्राइबिंग द कंडीशन ऑफ अ मदर. शी इज डोर्स यानी कि उसका मुंह वो ऊँग रही है, वो मुंह खुला हुआ है, उसका जो फेस है वो एशन रिपिन्स राख. उसका मीनिंग क्या होता है? राख, राख की तरह बिल्कुल जला हुआ, जैसे राख का कलर होता है ना ग्रेइश, ऐसा दिख रहा है. और एक डेड बॉडी की तरह लग रही है उसकी माँ. इतनी जो उसकी माँ है, शी इज़ ऑलरेडी ऑफ 66 एंड शी इज़ वेरी ओल्ड, शी इज़ वीक एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. कि वो जितनी बूढ़ी हो सकती थी वो हो गई हैं. वो रियलाइज कर गई है कि माँ जो हैं बहुत ओल्ड हो चुकी हैं. शी इज़ ऑलरेडी ऑफ 66, वो बहुत ही वीक हो रही है. Put the thought away and looked at the young trees sprinting. But at that time, poet start to put the thought away. She don't want to think about that. So वो बाहर की तरफ देखने लगती है, गाड़ी से बाहर की तरफ देखती है. क्या देखती है? Young trees sprinting. जो पेड़ हैं, पेड़ को जो नए पेड़ हैं, यंग पेड़ हैं, वो बाहर की तरफ पीछे की तरफ भाग रहे हैं. जैसे हम कार में बैठते हैं, आपने कभी देखा होगा बच्चों कि जो हम कार में बैठते हैं तो हमें लगता है पेड़ पीछे पीछे भाग रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, पेड़ हमारे अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं. तो सेम कंडीशन इज देयर एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. और जो बच्चे हैं वो हंसते खेलते बाहर अपने घरों के आके उछल कूद कर रहे हैं. इन दीज टू लाइन्स द पॉइंट वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब अबाउट द कंपेरिजन ऑफ यंग एंड ओल्ड एज. ओके, ट्रीज यहाँ यंग शो किए हैं और जो मदर है वो बहुत ही ओल्ड है, वीक है. ठीक है, चिल्ड्रन आर मैरी चिल्ड्रन एंड द मदर इज सेड. पॉइंट वॉन्ट्स टू कंपेयर बिटवीन द यंग एज एंड ओल्ड एज. ठीक है, एंड बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, अपनी माँ से जो पॉइंट है वो कुछ दूरी पे खड़ी है, कुछ गज दूरी पे खड़ी है. आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ को दोबारा देखा. किसने देखा? पॉइंट ने देखा. वेन पेल, पीला चेहरा पड़ा हुआ है, दर्द भरा, एज अ लेट विंटर मून. यहाँ पर फिर उसने अपनी माँ का कंपेयर किया है किससे? लेट विंटर मून से. एक बार किया था कॉप से यानी कि डेड बॉडी, और एक बार लेट विंटर मून से. व्हाई डज पॉइंट कंपेयर हर मदर विद लेट विंटर मून? बिकॉज इन विंटर्स वी कैन सी दैट द मून लुक्स वेरी डल एंड फेडेड एंड उसकी जो मदर है वो भी बहुत वीक हो चुकी हैं. ठीक है, उनकी लाइफ में जो है उसकी जो ब्राइटनेस है वो ख़त्म हो चुकी है. ठीक है, फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एज. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ओल्ड फैमिलियर एज? इट मीन्स वो ही पुराना दर्द. ठीक है, वही पुराना दर्द उसको एज फील हुआ है अपना. कौन सा पुराना? जो उसने कभी माई चाइल्डहुड फील, वो जो बचपन में फील किया होगा. बचपन में आपने देखा है ना कि बच्चों को एक डर होता है कि उसकी माँ कहीं ना खो जाए, तो उसको वही डर आज भी फील हो रहा है. ठीक है, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. लेकिन फिर भी मैंने कहा जल्द मिलेंगे अम्मा. एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. लेकिन फिर भी मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही. बिकॉज बाई दिस लाइन द पॉइंट, दीज आर द पार्टिंग वर्ड्स एंड स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाइज दैट द पॉइंट इज हाइडिंग हर रियल फीलिंग फॉर हर मदर. एक्चुअली शी इज इन टेंशन दैट हर मदर इज गोइंग टू बी ओल्ड, वीक, पेल, वेन. ठीक है, एंड लुकिंग लाइक अ डेड बॉडी. बट शी डजंट वॉन्ट टू शो द हर रियल फीलिंग, फीलिंग ऑफ सेपरेशन टू हर मदर. सो शी इज स्माइलिंग. ओके, नाउ आई विल टेल अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोयम. फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिले. जब भी हमारे किसी लाइन में लाइक और एज का यूज हुआ होगा टू कंपेयर द ह्यूमन बीइंग विद अदर्स. ठीक है, जैसे यहाँ यूज हुआ है
लाइक दैट ऑफ अ कॉर्स. यहाँ पर मदर जो है एक लिविंग बींग है और उनका डेड बॉडी से कंपेयर किया गया है. ठीक है, तो यहाँ कौन सी यूज हुई है, सिमली. ठीक है, ऐसे ही मदर का एक लेट विंटर मून नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर किया गया है, लेट विंटर मून से, तो यहाँ पर भी कौन सी यूज हुई है, सिमली. ओके, नेक्स्ट है हमारी रिपीटेशन. जब हम सेम रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स, इट मीन्स जैसे स्माइल स्माइल एंड स्माइल, सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, दैट इज रिपीटेशन. तो वो यहाँ यूज हुई है पॉइंटिंग डिवाइस. एक होती है हमारी एलिट्रेशन, वो आई थिंक इस पोएम में नहीं हुई है. जब हमारे सेम कॉन्सोनेंट्स रिपीट होते हैं, ओके, इट मीन्स जैसे बाबा 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 ब्लैक शिप, ओके, दिस बी 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 बी, दिस इज एलिट्रेशन. तो इस पोएम में हमारी सिमिली यूज हुई है, रिपीटेशन यूज हुई है. ठीक है, ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई. थैंक यू.